हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, आज हम ये रीडिंग देखने वाले हो कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ओके, क्या उससे आपकी शादी होगी फाइनली, ओके, ये चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं। और सामने मैंने दो पाइल्स रखे हैं, चूज कर लीजिए इंटिटिवली गाइस जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है इन दोनों पाइल में से, और फिर देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो क्या उसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। ओके, पहला पाइल जो है हैप्पी फैमिली है, दूसरा पाइल जो है केयरिंग कनेक्शंस है। शुरू करते हैं पाइल वन से। हे पाइल वन, तो अगर आपने हैप्पी फैमिली कार्ड चूज करा है गाइस, जो कि पाइल नंबर वन है, तो चलिए देखते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो क्या उससे आपकी शादी होगी। ओके, तो आज हम ये चीज देखने वाले हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइल वन के लिए, गाइडेंस दीजिए क्या इनके पर्सन के साथ इनकी शादी होगी। पाइल वन के लिए क्या इनके पर्सन के साथ इनकी शादी होगी। पाइल वन के लिए बताइए क्या इनके पर्सन के साथ शादी होगी। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, मैजिशियन, यहाँ पे बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, सो पाइल नंबर वन, एक सेकेंड है गाइस। ओके, सो पाइल वन आज इन्होंने सिलेक्ट किया है हैप्पी फैमिली का कार्ड। ओके, मुझे बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो इस पर्सन के लिए। ओके, काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हो इस पर्सन के लिए। ओके, जो भी जहन में आपका पर्सन है गाइस, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि उसके तरफ से आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है अभी। ओके, बिकॉज बेसिकली मुझे ओवरऑल कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्लो मोमेंट्स चल रहे हैं। ओके, बहुत ही स्लोली सारी चीज़ें चल रही है। नो डाउट आप उनसे क्लैरिटी भी मांग रहे हो कि आगे क्या करना है, मुझे सब कुछ बताओ कि होगा या नहीं होगा। ओके, नो डाउट आपके जो पर्सन रहेंगे आपके सारे विश पूरे करते हैं, या फिर विश पूरे करना चाहते हैं, ड्रीम्स भी पूरे करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं उनकी तरफ से गाइड्स कि कहीं ना कहीं स्टक मोमेंट उनकी तरफ से मुझे दिख रहा है। बिकॉज हो सकता है कि वो अपने फिनांसिस को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, या फिर अपने फिनांसिस को लेकर ना थोड़े से कंसर्न है। ओके, इसके वजह से आपकी रिलेशनशिप थोड़ा सा स्लो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नो डाउट वो आपसे कमिटेड है, वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। ओके, नए सिरे से आपका जो रिलेशनशिप है मुझे दिख रहा है गाइस कि वो आगे बढ़ने वाला है। ओके, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि सून इस सारी चीज़ों की क्लैरिटी वो आपको देने वाले हैं। बिकॉज पहले ही कार्ड आपके लिए आया है एज ऑफ सोर्स से, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है वह सच्चाई से इस रिश्ते को आगे निभाने वाले हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। ओके, उनका प्रोफेशन रिलेटेड हो सकता है या फिर उनके बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग फेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग वो करने वाले हैं, या फिर हो सकता है आप उनसे कम्युनिकेशन में हो, या फिर आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैवल कर रहे हैं या ऑलरेडी वो जा चुके हैं, कहीं डिफरेंट सिटी में हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री में हो सकते हैं। ओके, इंडिया से बाहर भी हो सकते हैं। इसके वजह से आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि ये बंदा मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा, कि ये आपके जहन में है। नो डाउट आप बहुत प्रे भी कर रहे हो अपने रिश्ते के लिए, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें जल्दी सुलझ जाए, मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट दे दे फाइनली शादी के लिए। ओके, तो ये कुछ आपके जहन में है और आप नो डाउट उस पर्सन का वेट भी कर रहे हो, कमिटमेंट का भी आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो उस पर्सन के लिए। ओके, मैंने जैसे कहा कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ चैलेंजेस नहीं देख रही हूँ आपके रिश्ते में, सिर्फ मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि हाँ आपका जो ये रिश्ता है थोड़ा सा स्लो चल रहा है।
ओके, जैसा आगे बढ़ना चाहिए वैसा बढ़ नहीं रहा है। नो डाउट खुशियाँ तो आप अपने पर्सन के साथ देख रहे हो, एक हैप्पी मोमेंट आप देख रहे हो, आपको पता है कि आपका पर्सन आपके सारे विश ड्रीम्स पूरा करेगा। ओके, आप ये पर्सन भी देना चाहते हैं, दोनों तरफ से है गाइस। ओके, लेकिन पाइल वन के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है आपका ये जो लव है ये बचपन का प्यार भी हो सकता है गाइस। ओके, या फिर ये बंदा ऐसा है जो आपको कहीं कॉलेज या स्कूल में मिला होगा, या फिर किसी, अगर आप वर्क लोकेशन पे हो तो वहाँ पर आपको मिला होगा ये पर्सन। ओके, आपके जॉब में मिला होगा, लेकिन अगर आप इसको बचपन से जानते हो तो ये आपका बचपन का प्यार है। ओके, और अगर आप वर्क लोकेशन या जॉब में उनको मिले हो तो ये बंदा आपका सोलमेट है। ओके, मुझे बेसिकली यहाँ पे यही वाइब्स मिल रही है कि ये बंदा आपका सोलमेट है। ओके, तो ये आपका डेस्टाइंड सोलमेट है, डेस्टाइंड सोलमेट मैं कह सकती हूँ यहाँ पर। ओके, तो आपको बेसिकली मैं ये देख, मैंने जैसे कहा शुरुआत में कि आप इस बंदे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है गाइस, मैं मैनिफेस्टेशन को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन फोर्सफुली चीज़ों को लाने की कोशिश ना करिए। ओके, थोड़ा सा ईश्वर की तरफ भी छोड़ दीजिए, डिवाइन की तरफ भी आपको छोड़ने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ हम फोर्सफुली मांगने लगेंगे तो कैसा होगा। ओके, आप ये डिवाइन से मांग सकते हो कि अगर ये पर्सन मेरा है, अगर इस पर्सन को मेरे डेस्टिनी में लिखा है तो कैसे ही करके आपको मिल ही जाएगा, आपको मैनिफेस्टेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है गाइस। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पाइल वन के लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी शादी होने वाली है इस पर्सन से। ओके, मुझे सुनाई दे रहा है कि कोई रोक नहीं सकता आपको, आपके इस मिलन को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें धीमे धीमे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, या फिर कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। ओके, तो या उसी चीज़ के लिए हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़े। ओके, मेरे पर्सन से मुझे क्लैरिटी मिले, ये चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हाँ ये बात अच्छी है, लेकिन किसी पर्सन के लिए मैनिफेस्ट ना करिए। ओके, अगर वो आपके डेस्टिनी में है तो डेफिनेटली आपकी तरफ ही आएगा, उसे कोई झुकला नहीं सकता। ओके, अगर वो आपके डेस्टिनी में है तो आपको मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है गाइस, वो खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएगा। लेकिन पाइल वन के लिए मैंने जैसे कहा कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, ओके, डेस्टाइन पार्टनर है ये आपका, तो डेफिनेटली आपकी तरफ ही आएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सच्चाई से वो आगे बढ़ेगा और सच्चाई आपके सामने आने वाली है बहुत जल्द। ओके, टाइमलाइन की यहाँ पर मैं बात करूँ तो मुझे बेसिकली ये कार्ड्स बता रहे हैं कि 6 to 9 हफ्ते या फिर 6 to 9 मंथ्स में आपको ये बंदा क्लैरिटी देगा। ओके, आगे क्या करना है, ठीक है, क्योंकि ये डेस्टाइन सोलमेट है आपका, तो डेफिनेटली ये क्लैरिटी देगा और सच्चाई से वो आगे बढ़ने वाला है। बिकॉज मैंने जैसे कहा शुरुआत में, ये थोड़े से स्लो चल रहा है आपका रिलेशनशिप, तो 6 to 9 मंथ्स में आपको वो क्लैरिटी देगा, आपकी तरफ ही आएगा। ओके, आपके विश पूरे करने वाला है वो पर्सन। कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। ओके, स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन है। ओके, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स और कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं गाइस, ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो, मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड करा है, हो सके मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप वो चेकआउट करिए कनेक्शंस क्या होते हैं। ओके, मैंने सोलमेट के भी कई कैटेगरीज आपको बताए हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली पाइल वन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर वो आपका डेस्टाइन सोलमेट कनेक्शन है या फिर स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वैसा हो सकता है। ओके, बिकॉज मेजोरिटी लोग यहाँ पे देखते रहते हैं, तो हर एक लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो क्या उससे आपकी शादी होगी, यस 100% होगी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। ओके, लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी स्लो है, या फिर ये बंदा आने में थोड़ा सा लेट डिले करेगा। ओके, आने में थोड़ा सा डिले कर सकता है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी शादी होगी, इसी पर्सन से होगी, और
सब कुछ डिवाइन ही करते हैं गाइस, हम सिर्फ एक मैसेंजर है। अगर ये बंदा किस्मत में है तो डेफिनेटली आपकी तरफ ही आएगा, ओके। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स में ये बता रहा, थोड़ा सा रिलेशनशिप आपका स्लो रहेगा या पर्सन आने में थोड़ा सा डिले करेगा, ओके। तो या ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, सच्चाई लेकर आएगा आपकी तरफ, ओके। जो आप जानना चाहते हो वही चीज आपको क्लैरिटी के साथ आएगा और क्लैरिफाई करेगा, ठीक है। तो दैट्स इट पाइल वन, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपसे ये रेजोनेट करेगा। अगर 1% भी रेजोनेट होता है गाइस, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे बेहद खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हो। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। है पाइल नंबर 2, तो अगर आपने केयरिंग कनेक्शंस कार्ड चूज करा है गाइस, जो कि पाइल नंबर 2 है, तो चलिए देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो क्या उसी से ही आपकी शादी होगी, ओके। ये चीज हम देखने वाले हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हो क्या उसी से ही आपकी शादी होगी। पाइल नंबर 2 के लिए बताइए डिवाइन यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के लिए बताइए कि जिस पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं क्या उसी से ही इनकी शादी होगी। पाइल नंबर 2 के लिए, ओके, एक सेकेंड ना, ओके। 8 6 ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्स। यहां बॉटम में है गाइस, इट्स मून कार्ड, ओके। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने कैरिंग कनेक्शंस कार्ड चूज करा है गाइस, मुझे ना आपका जो ये कनेक्शन दिख रहा है या फिर आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता दिख रहा है, बेसिकली मुझे ऐसा बहुत जनों के लिए लग रहा है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर रहते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया वो अपने जॉब रिलेटेड गए हैं, या फिर आउट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, या फिर दूसरे कंट्री से, दूसरे देश से बिलोंग करते हैं, तो उस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ओके। ये पर्सन को आप हो सकते हो किसी ऑनलाइन के जरिए मिले हो, सोशल मीडिया के जरिए आप उनसे मिले हो। आपके पर्सन ने ना गाइस, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन आपको दिया है, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जाहिर नहीं कर रहा है वो, ओके। नो डाउट आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छिपाई गई हैं, बहुत ज़्यादा भ्रम में आपको रखा है, इल्यूजन में आपको उसने रखा है, ओके। हो सकता है आपके जो पार्टनर है आपको छोड़ के चले गए हैं, आपके बीच में डिस्टेंस आ चुका है, ओके। डिस्टेंस आ चुका है, मैं ये देख रही हूं, और जब डिस्टेंस आया आप कंप्लीटली टूट चुके हो, पाइल नंबर 2, ओके। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है, अभी आप दोनों, आपकी कंडीशन ऐसी, मैं दोनों की नहीं कहूंगी, आपकी कहूंगी, आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप पूरी तरीके से ना खुद को ऐसा लग रहा है कि वो बंदे ने मुझे पीछे से वार करके वो चला गया है, मुझे क्लैरिटी नहीं दी, आगे क्या करने वाला है ये समझ में नहीं आ रहा है। और आपकी सिचुएशन ऐसी हुई है पाइल नंबर 2 वालों की कि आपके पास प्रपोजल्स तो आ रहे हैं लेकिन आप मना कर रहे हो यहाँ पर, ओके। आप सिर्फ अपने पास को लेकर बैठे हो या उसी पर्सन को पकड़ के बैठे हो कि ये पर्सन मुझे एक ना एक दिन क्लैरिटी जरूर देगा, ओके। इतना आपको ट्रस्ट है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो ये रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ज्यादा मजबूत मुझे दिख रहा है, ओके। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप लोग ना क्या कह सकते हैं हम उसको, आप दोनों भी हायर सेल्फ सोलमेट कनेक्शन दिख रहे हो मुझे गाइस, ओके। हायर सेल्फ सोलमेट कनेक्शन हो आपका कनेक्शन ही हटके है। नो डाउट आपके कनेक्शन में आपका पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, मूव ऑन कर लिया है, या फिर किसी वर्क रिलेटेड, या फिर हो सकता है किसी अपने करियर को
स्टेबिलिटी देने के लिए थोड़े से हो सकता है आपको छोड़ के चला गया है। ओके, फिलहाल अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हो, इसके वजह से ये जो बीच के दो कार्ड से वो ऐसे है। ओके, आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत ही नाराज़ कर लिए हो, खुद को बहुत ही लो फील कर रहे हो। ओके, आप ऐसे फील कर रहे हो कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा है, अब ख़त्म हो गए मेरे लाइफ में। ओके, मैं क्या करूँ अभी, ये बंदा तो मुझे छोड़ के चला गया है या मुझे ऐसे स्टेज में डालकर वो खुद चला गया है। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस कि जो पेन आपको हो रहा है वही पेन उस बंदे को भी हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि आपका जो ये कनेक्शन, ये हायर सेल्फ सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, कनेक्शंस क्या होते हैं, सोलमेट्स की कैटेगरी क्या होती है, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है गाइस, वो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं एंड स्क्रीन में वो वीडियो अपलोड कर दूंगी या डाल दूंगी ताकि आप देख सको कि कनेक्शंस क्या होते हैं। ओके, आपका कनेक्शन है हायर सोल सोलमेट कनेक्शन। ओके, ये कनेक्शन ऐसा है कि आपको अगर कुछ पेन होता है तो उस पर्सन को भी पेन हो रहा है, आपको दर्द होता है तो उस पर्सन को भी होता है। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है ड्रीम्स, ड्रीम्स के जरिए आपको कुछ मैसेजेस मिलते हैं या आपके पर्सन के ड्रीम्स आपको आते हैं। ओके, ड्रीम्स में ऐसा आपको दिखता है कि आपका पर्सन बहुत ही मुश्किलात में है या मुश्किल में फंस चुका है। ओके, अगर आप इस यहाँ पर पेन में हैं तो वो पर्सन भी वही फील करता है। ओके, वही फील करता है वहाँ पर, वो ड्रीम्स में भी वही देखता है कि अगर आप रोते हो तो वो पर्सन भी रात को रोने लगता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस। ओके, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे मुझे हायर सेल्फ सोलमेट कनेक्शन लग रहे हो आप, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ आप लोगों को मिली है। आपको लग रहा है वो बंदा आपको चीट करके चला गया, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। ओके, उसके करियर रिलेटेड कुछ उसके प्लान्स रहेंगे, कुछ उसको करियर बनाना रहेगा, इसके वजह से वो आपको छोड़ के चला गया है। ओके, आपको लग रहा है कि उस बंदे ने बैक स्टैबिंग की है, मुझे चीट किया है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। ओके, अगर हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो बेसिकली ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपकी शादी होगी। ओके, लेकिन ऑब्स्टेकल्स आपके इस रिलेशनशिप में काफ़ी है। शादी होगी और आपने जो प्लान्स करके रखे हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे, बिकॉज ये दो कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी शादी होगी। लेकिन आपकी शादी होने में, आपको क्लैरिटी मिलने में टाइम देगा ये पर्सन। ओके, टाइम देगा, क्लैरिटी देने में थोड़े से डीलेज हो सकते हैं इस पर्सन की। ओके, बिकॉज आपका जो ये पर्सन है ये मैनिपुलेटिव है काफ़ी ज़्यादा। ओके, बिकॉज फाइव ऑफ सोच है तो ये मैनिपुलेटिव पर्सन है, ये उसने इनिशियली आपके साथ माइंड गेम भी खेला होगा गाइस, माइंड गेम भी खेला है। लेकिन ये हो सकता है वो अभी रियलाइज कर रहा है कि उसने जो कुछ आपके साथ किया वो गलत किया है। ओके, बिकॉज मैंने कहा आपका जो ये कनेक्शन है ये हायर सोल, हायर सेल्फ सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ पर आपको अगर तकलीफ होती है उस पर्सन को भी होती है। ओके, उसके ड्रीम्स में भी आपके लिए दर्द ही दिखता है, आप अगर दर्द में हो तो उसके ड्रीम्स के जरिए उसको समझ में आ जाता है। ओके, डिवाइन यूनिवर्स उसको वो क्लूज या हिंट्स उसको मिलती है, टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो यहाँ पर। ओके, ये ट्विन फ्लेम नहीं कह सकते बिकॉज ट्विन फ्लेम काफ़ी कम लोग होते हैं। ओके, लेकिन आप लोग हायर सेल्फ सोलमेट कनेक्शंस हो, कहीं ना कहीं आप दोनों का क्या कह सकते हैं हम, आप दोनों का सोल कनेक्टेड है। ओके, सोल कनेक्टेड है, लेकिन ये बंदा आपके ड्रीम्स पूरे करेंगे गाइस। ओके, ड्रीम्स पूरे होंगे इस बंदे से, बिकॉज आप देखो तो यहाँ पे टू टू कार्ड है। ओके, डबल वन कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली ये आपका हायर सेल्फ सोलमेट कनेक्शन है। ओके, सोलमेट कनेक्शन, हायर सेल्फ सोलमेट कनेक्शन, कुछ लोगों के लिए ओनली सोलमेट रह सकता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए हायर सेल्फ सोलमेट कनेक्शन है आपका।
ओके, सोल टू सोल कनेक्शन है और डेफिनेटली आपकी शादी होगी इसी बंदे से, बिकॉज ये बंदा नो डाउट उसने कुछ भी करा रहेगा आपके साथ, माइंड गेम खेले रहेंगे, कुछ भी खेला रहेगा, लेकिन ये बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है अभी इस सिचुएशन में. नो डाउट वो अभी मूव ऑन भी हो चुका है या फिर किसी वर्क के जरिए कुछ कुछ रिलेटेड, ओके, हो सकता है आप भी मूव ऑन कर चुके हो इस रिलेशनशिप से, लेकिन ये बंदा वापस आएगा गाइस, ओके, फॉर श्योर मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि ये बंदा वापस आएगा और पूरी क्लैरिटी के साथ आएगा अभी, और आपके सारे सपने वो पूरे करने वाला है, ओके. जो चीज़ें उसने आपसे हाइड करी है वो सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी देगा. वो बंदा कहीं नहीं जाएगा, वो आपकी तरफ ही आएगा घूमकर, ओके. तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ओके. पास के एनर्जी में बैठना नहीं है गाइस, ओके. और आपके वो डेस्टिनी में है तो यस, आपको मिलकर ही रहेगा, इससे कोई आपको छीन नहीं सकता या, लेकिन मैं कह रही हूँ हाईएस्ट ऑफ सोलमेट कनेक्शन है. ये कब आएगा, ओके, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है 4 to 10 months के अंदर, ओके. 4 to 10 months का टाइम स्पैन है, मेजॉरिटी 4 to 10 months के अंदर आ सकता है, या फिर 4 to 10 weeks के अंदर आपको क्लैरिटी दे सकता है, ओके. लेकिन इससे आपकी शादी होगी, बिकॉज 2 of cups का कार्ड है, तो डेफिनेटली होगी और ये बंदा वापस आएगा, ओके. और जो कुछ चीज़ें उसने छिपा के रखी है, हाइड करके रखी है, वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेगा, वो जाहिर करेगा, ओके. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. 10 of swords मुझे कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके लाइफ में एंड हो चुकी है उसकी नई शुरुआत होने वाली है, ओके. न्यू बिगनिंग ये बंदा लेकर आएगा, न्यू ऑफर लेकर आएगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. डिवाइन पे ट्रस्ट करिए और सरेंडर कर लीजिए डिवाइन के ऊपर. आपकी विश पूरी होने वाली है इस पर्सन से. अगर आप मूव ऑन कर चुके हो, अच्छी बात है, आपकी लाइफ में दूसरा बंदा आ जाएगा, ओके. अगर आप मूव ऑन नहीं कर चुके हो, वो बंदा मूव ऑन कर चुका है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में है, आने वाला है, ओके. आपसे जुदा रहकर या आपसे दूर रहकर वो भी नहीं रह सकता, ठीक है. तो आई होप आपसे रेजोनेट करेगा पाइल नंबर 2. 1% भी रेजोनेट होता है, थोड़ा सा भी रेजोनेट होता है गाइस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी. और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.